Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello children, this is Anita Pandey. I teach class 3rd English medium. This is your new Hindi language book. Here I am going to explain first chapter, Bhasha. भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। बच्चों, भाषा के बिना ना तो हम किसी से अपने मन की बात कह सकते हैं और ना ही दूसरे की बात को समझ सकते हैं। चित्र में देखिए, बेटा अपने पिता से कुछ कह रहा है। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 3 प्रकार की होती है। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचार दूसरे तक पहुँचाते हैं तो वह मौखिक भाषा है। लिखित भाषा, जब हम अपनी बात अपने विचार को एक दूसरे पर लिख के पहुंचाते हैं वह लिखित भाषा है। तीसरी भाषा सांकेतिक भाषा, जब हम अपने विचार इशारों के द्वारा दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह सांकेतिक भाषा है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन के भाव और विचार को कहकर लिखकर या सुनकर पढ़कर समझ लेते हैं। अनेक राज्य में अनेक भाषाएँ बोली जाती है, जैसे तमिलनाडु में तमिल, असम में असमिया, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बिहार में हिंदी। राष्ट्रभाषा क्या है? कोई भी भाषा जो किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान दिया गया है और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। लिपि क्या है? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, अंग्रेजी रोमन लिपि में, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी में लिखा गया है। धन्यवाद।